लगातार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं पर दबाव डालने का आरोप झेलती आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश में अब नई साजिश के तहत कांग्रेस नेताओं को पुराने मामलों में सजा सुनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दरअसल एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं को कोर्ट से सजा मिल चुकी है। दोनों ही युवा नेता अपने बेबाक बयान और कार्यशैली को लेकर भाजपा पर निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में अब दोनों नेताओं को सजा होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। दरअसल मध्य प्रदेश में हाल ही के दिनों में पहले पूर्व विधायक कुणाल चौधरी और अब पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को मध्य प्रदेश MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक के साथ कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान और धनजी गिरी को भी सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि ये सजा 8 साल पुराने मामले में सुनाई गई है। दरअसल कांग्रेस ने साल 2016 में तत्कालीन भाजपा सरकार पर व्यापक घोटाले में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया था। उस समय कांग्रेस ने इस मामले को जमकर भुनाया भी था। उस वक्त कांग्रेस इस मामले को सड़क से लेकर विधानसभा तक लेकर गई, जिसके बाद व्यापम घोटाला प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। उसी समय कांग्रेस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर का घेराव भी किया था, जिस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस घेराव में शामिल हुए थे, जिसमें कई नेताओं पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें विपिन वानखेड़े, विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान और धनजी गिरी भी शामिल थे। इस मामले में पुलिस ने IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि तब कोर्ट ने 30,000 के मुचकले पर नेताओं को जमानत दे दी थी, लेकिन मामला तभी से कोर्ट में चल रहा था। विपिन वानखेड़े के विधायक बनने के बाद यह मामला MPMLA कोर्ट में चला गया था। अब इसी 8 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। आपको बता दें कि एक सप्ताह के अंदर ही कांग्रेस के दो पूर्व विधायकों को सजा सुनाई गई है। पहले काला पीपल से पूर्व विधायक कुणाल चौधरी और अब विपिन वानखेड़े को 2 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये सब बीजेपी के इशारों पर किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े ने कहा, हम किसानों और बेरोजगारी के खिलाफ लगातार लड़ते रहेंगे। कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं।